हे व्यूअर्स, सो आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और हम चार पार्ट कवर कर चुके हैं, इट मीन्स हमने 200 ईडियम्स कवर कर चुके हैं हम लोग, 200 प्लस ईडियम्स। और इसके साथ साथ आई थिंक अराउंड हमने 50 to 60, और आई थिंक आई कैन से कि मोर देन 60 वर्ड्स भी कवर कर लिए हैं, नए नए वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं पिछले वीडियोस में। तो तुमको क्या करना है, देखो अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अभी ये फिफ्थ पार्ट होने वाला है, ठीक है, अभी ये फिफ्थ पार्ट होने वाला है। एक बार आप अपने आप से पूछो, जो पहले के पार्ट गए हैं, चार पार्ट गए हैं, क्या आपने उनके अच्छे से नोट्स बनाए हैं? जो मैंने तुमको बताया कि तुमको अपनी वोकैब बुक बनानी है, क्या वो तुमने प्रिपेयर की है खुद से? क्या करी है तुमने इतनी मेहनत, बताओ यार। जो मैंने तुमको साइनो लिखाए हैं, सिनोनियम्स लिखाए हैं, जो जो वर्ड्स मैंने बताए हैं, जो PYQs में आ चुके हैं, भाई बहुत वर्ड्स आए हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं PYQs के, रिपीट भी होते हैं, तो क्या ये सब तुमने नोट्स बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं अभी तक, तो पहली वीडियो से बना लो यार, बिलीव मी बना लो, बार बार ये वोकैब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये तुम खुद देखो ना, आप खुद से अपने अच्छे से खुद से सेल्फ नोट्स बना रहे हो, आप खुद देखो। सबसे अच्छी चीज़ होती है जब आप खुद से नोट्स बनाते हो, ना कि किसी के प्रिंट हुए पढ़ते हो। अभी यहाँ मैं तुमको एक एक ईडियम याद करा रहा हूँ, तो इनको अपनी लैंग्वेज में लिखो उधर वोकैब बुक में कि तुमको वो कैसे याद रखना है। जो जो सिनोनियम बता रहा हूँ उसको लिखो वहाँ, देखो कि मुझे कैसे याद रखना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम 200 ईडियम्स कवर कर चुके हैं। और देखो भाई, एक और चीज़ देखो यार, सोचो यार, तुम्हें ना NDA CDS क्रैक करना है, ठीक है यार, तुम्हें ये बनना है, ये देख रहे हो, ये बनना है तुम्हें। तो यार इतना इजी तो नहीं होने वाला। अगर तुमको लगता है कि एक घंटे में तुम बोर हो जाते हो, डेढ़ घंटे के लेक्चर से बोर हो जाते हो, यार तुम ऐसे थोड़ी रिकमेंड हो जाओगे, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर तुम बोरियत हो रही है तब भी पढ़ना पड़ेगा भाई तुम्हें, ठीक है। बट मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कभी मेरे वीडियोज़ में आपको बोरियत ना हो। दैट्स वाई आई यूज़ सम अदर थिंग्स, लाइक कभी आपकी गर्लफ्रेंड ले लेता हूँ मैं, जो मतलब है नहीं, लेकिन इमेजिन कर लेता हूँ। चलो इमेजिन तो कर ही लेते हैं यार, तुम खुश तो भी हो जाओगे। चलो भैया ने मान ली कि यार हमारी है, कोई बात नहीं, बन जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम 200 ईडियम्स कर चुके हैं पहले ही, अभी हम 201 से आगे होंगे, ठीक है, 201 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला, इधर सेलिंग इन द सेम बोट। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आप सेल कर रहे हो, जैसे ये कि ये रिवर है, और इस बोट में बैठ के तुम इधर यहाँ तुम बैठे हो, ये तुम्हारा दोस्त है, फीमेल फ्रेंड है, तुम दोनों गए हो भाई घूमने कि चलो यार आज ना सेल करने जाते हैं। अब हुआ क्या, जब तुम नदी में पहुँचे ना, जब तुम आधे रास्ते में थे, नदी में थे, वहाँ पे आ गया तूफान भाई, वहाँ पे आ गई सुनामी, समझ रहे हो ना, मतलब वेव्स बोलते हैं ना, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं, तो बहुत ऊंची ऊंची वेव्स देख के भाई अब आप घबरा गए, अब तुम्हें क्या होने लग गई, डिफ़िकल्टी। तो अब जब भी आए ना तुम्हारे पेपर में सेलिंग इन द सेम बोट, तो ध्यान रखना हम एक ही नाव में थे और हमारे सामने एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, ठीक है। तो एक ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, वो भी उसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में और आप भी उसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो। तो अगर तब भी आए ना सेलिंग इन द सेम बोट, तो इसका हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव सेंस होता है। कैसे नेगेटिव सेंस होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही टाइप की सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना। आगे आता है गिफ्ट ऑफ द गैब। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NDA CDS में पता नहीं कितनी बार आया भाई, NDA में बहुत देखा है। तो ध्यान रखना जब भी आए ना तुम्हारा गिफ्ट ऑफ द गैब, तुमको गिफ्ट मिला है किस चीज़ का, गैब का। गैब मतलब स्पीकिंग का। लाइक मैंने कैसे याद किया था, मेरा दोस्त था एक, बेस्ट फ्रेंड रामेश्वर, सो व्हाट ही सेड टू मी, यू आर अ गिफ्ट ऑफ गैब, यू आर द गिफ्ट ऑफ द गैब, लाइक आई एम गुड इन स्पीकिंग,
आई हैव दैट एबिलिटी टू स्पीक वेल, ठीक है, आई कैन स्पीक वेल, मेरे पास भाषण देने की क्षमता है, नॉट भाषण बट लाइक कि हाँ आई कैन एबल टू कन्विंस योर सेल्फ, आई कैन एबल टू कन्विंस यू, ठीक है, आई कैन एबल टू पुट माई सेल्फ माई एक्स माई माई पॉइंट्स और वॉट एवर आई वॉन्ट टू से टू यू, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप ध्यान रखना, तो मैं ना गिफ्ट ऑफ द गैप बनना है, अपने आप को इमेजिन कर लो कि आपको गिफ्ट ऑफ द गैप बनना है, मतलब तुमको बहुत अच्छी एबिलिटी रखनी है अपने बोलने की, ठीक है, तुमको गिफ्ट ऑफ द गैप बनना है, एबिलिटी रखनी है बहुत अच्छी बोलने की। अच्छा अब यहाँ एबिलिटी आ गया, तो एबिलिटी के एक दो सिनोनियम लिख लेना। एबिलिटी तुम्हारी क्या होती है, एबिलिटी तुम्हारी कैपेबिलिटी तो होती है, कैपेबिलिटी यही तो होती है, तुम्हारे पास कितनी एबिलिटी है। या फिर ध्यान रखना एक और होता है एप्टीट्यूड, APTITUDE, सुना होगा तुमने, एप्टीट्यूड होता है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वेंट मैथ्स जो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड क्या होता है, तुम्हारी एबिलिटी, कैपेबिलिटी क्या होता है, तुम्हारी एबिलिटी। अच्छा एक और ध्यान रखना, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, COM कॉम्पिटेंसी, तुमने सुना होगा ना कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन से याद कर लेना कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी। या फिर एक और ध्यान रखना एबिलिटी का होता है तुम्हारा डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी, टेरिटी। अब देखो जो डेक्स्ट्रस होता है ना, DEXTROUS, डेक्स्ट्रस होता है एक, ठीक है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो बंदा थोड़ा चालाक है, जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, जिसके अंदर कुछ स्किल हैं, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस, स्किल्ड बंदा। तो डेक्स्ट्रस से मिलके बना है डेक्सटेरिटी। तो ध्यान रखना जब भी एबिलिटी की बात आएगी तो इसका मतलब कैपेबिलिटी, तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, तुम कितना कॉम्पिटिशन कर सकते हो किसी के साथ, तुम्हारी डेक्सटेरिटी मतलब डेक्स्ट्रसनेस तुम्हारी, तुम कितने डेक्स्ट्रस हो, डेक्सट्रस, DEXTROUS, ठीक है, ये सब लिख लेना, पहले समझ लो आराम से जो जो समझा रहा हूँ, पहले वीडियो की वीडियो में याद कर लो इन्हें, ठीक है। आगे आते हैं, आगे तुम्हारा टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। अच्छा यहाँ पे ना एक आई थिंक मिसिंग है, कीप द वॉल अवे फ्रॉम द डोर आएगा, ठीक है, ये जो idiom होता है वो ये होता है, कीप द वॉल अवे फ्रॉम द डोर, मतलब वो जो भेड़िया है ना, जो वॉल्फ है, उसको डोर से दूर रखो। इसका मतलब भाई इसको खाना मतलब उसको भूखा मत रखो। यार देखो इसका कुछ सेंस बनता नहीं है, बट तुमको ऐसे ही याद करना पड़ेगा ये, तो ठीक है, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का ध्यान, इसका मतलब होता है कि अपना किसी तरह अपनी ज़िंदगी को जीना, मतलब भूखे ना रहना, ध्यान रख लेना, अवॉइड स्टारवेशन, AVOID, अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है, भूख, स्टारवेशन क्या होता है, भूख। तो जब भी आए ना कीप द बॉल अवे फ्रॉम द डोर, ध्यान रखना अवॉइड स्टारवेशन, मतलब भूखमरी में ना जीना, भूखा नहीं रहना है बस तुम्हें, ठीक है। आगे आते हैं सॉफ्ट ऑप्शन। अच्छा यार तुमने सुना होगा यार ये तो बहुत सॉफ्ट चीज़ है, या फिर कोई सॉफ्ट ऑप्शन है। अब कोई चीज़ सॉफ्ट है तो मतलब इजी है, बिल्कुल आसान है, एग्रीएबल ऑप्शन है, ये जो सॉफ्ट ऑप्शन है ना वो सॉफ्ट मतलब इजी ऑप्शन है, और वो एग्रीएबल है, मतलब हर कोई इस पे एग्री कर जाता है, इतना सॉफ्ट ऑप्शन है वो। ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। अच्छा गश क्या होता है, गश होता है झोंका, झोंका, ठीक है, प्यार का झोंका, तुम्हारा एक वो भी होगा गश ऑफ लव। ये जो उम्र है ना अभी, जो तुम्हारी एज है, यहाँ पे तुमको अभी, तुम देखो अभी तुम अपनी लाइब्रेरी से निकले, रोड पे जा रहे हो, तुम इधर से जा रहे हो, कोई इधर से आ रहा है, अब तुमको एक गश आएगा लव का, एक प्यार का झोंका, नज़रों ही नज़रों में। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे 10 मीटर, फिर यहाँ से कोई आ रहा होगा,
एक और गश आएगा। तो गश का मतलब होता है झोंका, एक तरीके से छोटा सा कोई चीज़। तो ध्यान रखना गश का मतलब क्या होता है, गश का मतलब होता है झोंका। तो ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड होता है जब कोई इंसान तुम्हारी हेल्प करता है ना, तो तुम उसके लिए कितने थैंकफुल हो, थैंकफुल उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, या फिर तुम उसको कितना अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। तो अगर आया ना गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब किस चीज़ का झोंका, तुम्हारे थैंकफुल होने का, थैंकफुल होने का मतलब तुम्हारे ग्रेटफुल होने का, तुम बहुत ही ग्रेटफुल हो उस चीज़ के लिए, तुम बहुत क्या हो, ग्रेटफुल हो कि हाँ भाई उस बंदे ने मेरी हेल्प करी और मैं उस चीज़ के लिए तुम्हारा आभारी रहूँगा, ग्रेटफुल रहूँगा तुम्हारे लिए। तो तुम्हें जो झोंका आया वो किस चीज़ का आया, ग्रेटिट्यूड का। ठीक है, आगे आते हैं। टू लूज ग्राउंड, इसका देखो एक चीज़ ध्यान रखना कैसे, एक ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे तुम्हारी बहुत चलती है, मतलब तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो या फिर तुम बहुत ही यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हो इस ग्राउंड पे। लेकिन भाई यहाँ पे क्या है कि अब तुम ना अपने ग्राउंड को लूज़ कर रहे हो। तो ग्राउंड लूज़ करने का मतलब होता है जो भी तुमने अपनी मेहनत से कमाया है ना उस चीज़ को खोना। तुमने इतनी मेहनत से यहाँ पे तुम आके खड़े हुए हो ग्राउंड में, इतनी मेहनत से आके तुमको स्टेबल किया है तुमने खुद को, लेकिन अब क्या हो रहा है, तुम अपने ग्राउंड को लूज़ कर रहे हो। जो तुमने अपनी पोजीशन पाई है ना उस ग्राउंड में, उस ग्राउंड में जो तुमने पोजीशन पाई है उस चीज़ को लूज़ कर रहे हो। तो लूज़ ग्राउंड का मतलब क्या होता है, बिकम लेस पॉपुलर या फिर अपनी जो प्रसिद्धता है उस चीज़ को खोना। तो इसी का मतलब क्या हो गया, अपनी जो पॉपुलैरिटी है ना, पॉपुलैरिटी जो तुम्हारी पॉपुलैरिटी है, जो भी तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, उस चीज़ का डिग्रेड होना, उस चीज़ का कम होना। ठीक है, कम होना, डिग्रेड होना। अच्छा आगे आते हैं, आगे है तुम्हारा फॉल बैक ऑन। अच्छा तुमने सुना होगा यार, ये तो बहुत बार सुना होगा, आर्मी ने फॉल बैक कर दिया, आर्मी ने फॉल बैक कर दिया, बहुत बार सुना होगा यार आर्मी ने फॉल बैक कर दिया। तो फॉल बैक का मतलब क्या होता है, फॉल बैक का मतलब होता है, अच्छा एक चीज़ बताओ, फॉल बैक, उसने फॉल कहाँ पे किया, बैक, इसका मतलब वो पीछे हट गए। अब पीछे कब हट गए, जब उन्होंने अपना कुछ जो एग्जीक्यूट किया है वो फेल हो गया होगा, या फिर वो बार में हार गए होंगे। तो जब भी वो हारने के कगार पे होते हैं या उनको लगने लगता है कि अब चीज़ें फेल्ड हो गई हैं, तो वो फॉल बैक कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो यूज़ और डू समथिंग एल्स, किसी और चीज़ को करना जब दूसरी चीज़ों में आप फेल हो चुके हो। तो फॉल बैक कब करते हो, फॉल बैक कब करना चाहिए, जब तुम हार जाते हो और अब तुमको कुछ और करना चाहिए, तो उस समय क्या होता है, फॉल बैक करना। ठीक है, आगे है टू मेक बंस ब्लड बॉइल, किसी के खून को उबाल रहे हो, मतलब किसी के खून को उबाल रहे हो, मतलब उसका खून गर्म कर रहे हो। अब खून गर्म कैसे कर रहे हो, उसको इरिटेट करके उसका खून खोला रहे हो। तो मेक समबडी फ्यूरियस, फ्यूरियस क्या होता है, फ्यूरियस के देखो, चलो कुछ लिख लो यार, फ्यूरियस के लिख लो यहाँ पे, आ जाते हैं पेपर में। फ्यूरियस का होता है एनरेज, ठीक है, एनरेज, रेज माने गुस्सा होता है और फ्यूरियस माने भी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। ठीक है, तो एनरेज लिखना। और क्या होता है फ्यूरियस का, फ्यूरियस का देखो, एक तो मैंने तुम्हें बताया होगा रैथ, पिछली वीडियोस में बता के आऊँ, WRATH, रैथ माने गुस्सा होता है। ठीक है, या फिर और क्या हो गया तुम्हारा, इनफ्यूरिएट भी तो यही होता है, इनफ्यूरिएट। अच्छा फ्यूरियस आ गया या इनफ्यूरियस आ गया तो एक ही चीज़ है, ठीक है, या तो फ्यूरियस आ जाए या इनफ्यूरिएट आ जाए, इनफ्यूरिएट, RIATE, इनफ्यूरिएट भी यही है। ठीक है, अच्छा और क्या होता है, अच्छा एक और ध्यान रखना, इंसेंस्ड भी होता है, ठीक है, INCENSED, इंसेंस्ड, INCENSED, इंसेंस्ड भी होता है। इंसेंस्ड मतलब क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है, इंसेंस्ड भी यही होता है। अच्छा और क्या हो सकता है इसके अलावा, और
अच्छा इतने याद कर लो, ठीक है, जितना बताया इतना ही याद कर लो, इतना बहुत है। एनरेज हो गया, रैथ हो गया, इन्फ्यूरिएट हो गया और इनसेंस्ड हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, आगे तुम्हारा वियर एंड टीयर, ये तो यार सीधे याद रख सकते हो। वियर एंड टीयर मतलब टूटा हुआ, डैमेज्ड है। वियर एंड टीयर को ऐसे ही ध्यान रख लेना, ठीक है, डैमेज्ड है कोई चीज़ ना। वियर एंड टीयर शर्ट है यार तेरी, है वियर एंड टीयर शर्ट, मतलब तुम्हारी डैमेज शर्ट है ये, या फिर वो वियर एंड टीयर क्लॉथ्स पहनता है यार, वो इतना गरीब है वो वियर एंड टीयर क्लॉथ्स पहनता है, डैमेज टूटे फूटे कपड़े पहनता है वो, बेकार कटे पिटे, ठीक है। वियर एंड टीयर, एड फ्यूल टू द फायर, भाई ये किसको नहीं पता होगा, खुद बताओ। एड फ्यूल टू द फायर किसको नहीं पता होगा, फायर में तुमने क्या किया, फ्यूल लगा, उसने ऐड कर दिया। अब फ्यूल ऐड कर रहे हो इसका मतलब तुम और ज़्यादा सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर रहे हो, वर्स मतलब और ज़्यादा गंदा कर रहे हो, उसको एग्रावेट कर रहे हो। ए डबल जी आर ए वी ए टी ई, एग्रावेट ध्यान रखना, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, जब हम किसी सिचुएशन को और ज़्यादा बेकार कर देते हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा वर्स कर देते हैं, ठीक है। तो एग्रावेट या वर्स करना किसी भी सिचुएशन को, तो इसमें क्या है, टू कॉज एडिशनल एंगर, मतलब भाई हालात को और ज़्यादा बदतर बना देना, ठीक है। तो एड फ्यूल टू द फायर। आगे है हैंड इन ग्लव। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारे ग्लव में तुम्हारे हैंड है, ये तुम्हारा ग्लव है और इसमें तुम्हारे ये हाथ हैं, तो तुम्हें नहीं लग रहा ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं दोनों, कितने क्लोज हैं, देखो ग्लव और हैंड कितने क्लोज हैं, क्लोज ही तो हैं दोनों। तो हैंड इन ग्लव का मतलब होता है क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा, बहुत ज़्यादा एमिकेबल, एमिकेबल ध्यान रखना। देखो अब यहाँ पे आया ना क्लोज रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडशिप, तो यहाँ रखना एमिकेबल मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप होता है। एमिकेबल मतलब किसी से तुम्हारा अच्छा संबंध होना, फ्रेंडशिप होना एमिकेबल, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, जैसे फ्रेंडली हो गया, ठीक है, तो एमिकेबल ध्यान रखना यही होता है, ठीक है, एमिकेबल। इसके आगे आते हैं, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, तुमने माउंटेन किस चीज़ का बनाया है, मोल हिल का, मतलब यार छोटी सी चीज़ का तुमने माउंटेन बना दिया, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा कर दिया, बात का बतंगड़ बना दिया, मतलब मेक अ माउंटेन, माउंटेन बनाने की क्या ज़रूरत है मोल हिल की, क्या फालतू में माउंटेन, मेक अ माउंटेन ऑफ समथिंग, बात का बतंगड़। अच्छा मैं तुम्हें एक और ईडियम पढ़ा के आया हूँ पिछली दो क्लासेस में, दो तीन चार जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, चार हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैंने शायद वो अभी थर्ड क्लास में पढ़ाया था मैंने, थर्ड में या फोर्थ में, स्टॉर्म इन अ टी कप, आया ध्यान, स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब एक कप के चाय में आंधी तूफान ले आए तुम, इसका मतलब क्या था, छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा कर देना, छोटी छोटी चीज़ को बतंगड़ बनाना, छोटी बात का। स्पीक वंस माइंड, अच्छा स्पीक वंस माइंड, तुम स्पीक कैसे कर रहे हो, अपने माइंड से, तुम्हारा जो वो है ना, तुम्हारा जो माइंड और दिल है, जो तुम्हारा हर्ट, जो तुम्हारा दिल और दिमाग है वो बहुत सच्चा है, तो जो भी तुम बोलते हो वो बहुत ही, स्पीक वंस माइंड, तो जो तुम्हारा दिल और दिमाग सच्चा है और जो भी तुम बोलते हो ना अपने दिमाग से वो बिल्कुल फ्रैंक, जैसे हो तुम वैसा बोलते हो, कोई भी इंसान जैसा है वो वैसा ही बोलेगा, ठीक है, और ऑनेस्ट है, ईमानदार और फ्रैंक। तो ध्यान रखना स्पीक वंस माइंड का मतलब क्या होता है, फ्रैंक या ऑनेस्ट होना। अच्छा मैं तुम्हें एक ईडियम पढ़ा के आया हूँ फ्रैंक एंड ऑनेस्ट का, अब मुझे बताना सच सच, जिसने वीडियोस देख रखी हैं वो, जिसने नोट्स बना रखे हैं, आई एम श्योर जिसने नोट्स बना रखे हैं उसको आ गया होगा याद, पहले ही लेक्चर में था तुम्हारा, था फेयर एंड स्क्वायर, आया ध्यान, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या था, ऑनेस्ट, जो बंदा बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। अब मैं तुम्हें पहले लेक्चर में फ्रैंक ऑनेस्ट फेयर स्क्वायर ये सब बहुत डिटेल में बता के आया हूँ, पहले ही वीडियो में इनके सिनोनियम्स लिखाए हैं मैंने 5 5 6 6,
तो जिसने नोट्स बना रखे हैं उसके पास होंगे ये चीज़ें, ठीक है। आ गया मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का ध्यान रखना, मैडन स्पीच होती है पहली स्पीच जो होती है आपकी, सबसे पहली स्पीच उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। मैडन मतलब सबसे पहला। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी मैं जैसे यहाँ पे आया तुम्हारी फर्स्ट स्पीच, अभी एक ईडियम पढ़ के आए थे तुम, स्पीच से रिलेटेड था, तुमको क्या बनना है? तुमको गिफ्ट ऑफ द गैब बनना है। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब वही, तुमको तुम्हारी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, तुम अच्छे से दूसरों को कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब क्या था? जो अच्छे से स्पीक्स एलोक्वेंटली, स्पीक्स एलोक्वेंटली, ये आ जाता है पता है, ये पेपर में ये वाला वर्ड आएगा एलोक्वेंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे से बोलना, eloquently, quently, ठीक है, eloquently, speak eloquently, होप सो याद हो गया होगा। eloquently मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना, एक ही फ्लो में बोलना, ठीक है। आगे आते हैं एट द 11th आवर, मतलब 12 घंटे होते हैं टोटल, वैसे 24 होते हैं बट ऐसे घड़ी में तो 12 होते हैं ना, तो एट द 11th आवर मतलब लास्ट टाइम भाई, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, तो एट द 11th आवर जब भी आएगा पेपर में ध्यान रखना वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है, जो सबसे एंड का मोमेंट होता है। अच्छा उससे आगे आते हैं कोप विद, पेपर में ना एक तुम्हारा ये एरर भी आ जाता है कोप अप विद, पेपर में अगर लिखा है ना कोप अप विद, उस चीज़ को क्या करना, उस चीज़ से सामना करना, उस चीज़ को फेस करना, ठीक है, उस चीज़ का सामना करना, उसको बोलते हैं कोप विद, ना कि कोप अप विद। पेपर में मैं बता रहा हूँ भाई आ जाएगा एरर, आता है क्या सेंटेंस में कोप अप विद लिख रखा होगा, तो तुमको वहाँ से अप हटाना है और कोप विद रखना है, ठीक है। तो कोप विद क्या होता है, किसी चीज़ को फेस करना, किसी चीज़ को जो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम्स आई हैं ना उसको बोल्डली फेस करना, जो तुम्हारे सामने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, तो बहुत ही एडिक्वेट मैनर में रहना, ध्यान रखना, ठीक है, एडिक्वेट मैनर में रहना। अच्छा एडिक्वेट का मैं तुम्हें एक सिनोनिम बता देता हूँ, एडिक्वेट होता सफिशिएंट, पता होगा तुम्हें, एडिक्वेट क्या होता सफिशिएंट, किसी चीज़ का एम्पल मात्रा में होना, एम्पल, एप्पल नहीं एम्पल, AMPLE, एम्पल क्या होता है, अच्छी खासी मात्रा में होना, जितना चाहिए उतना है, एम्पल, सफिशिएंट, ठीक है। कोप विद हो गया, अब आते हैं आगे, गो अ लॉन्ग वे, एक लॉन्ग वे पे जाना टूवर्ड्स डूइंग समथिंग, तुम कुछ करना चाहते हो यार, तुम कुछ करना चाहते हो, तुम्हें दूसरों की मदद करके अच्छा लगता है तो तुम कुछ करना चाहते हो, तो ध्यान रखना जब पेपर में आ जाए गो अ लॉन्ग टूवर्ड्स डूइंग समथिंग, गो अ लॉन्ग वे, तुम एक लंबे रास्ते पे जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, मतलब देश का भला करने जा रहे हो, दूसरों की मदद करने जा रहे हो, हेल्पफुल होना किसी के लिए। अभी तो पढ़ा के आया हूँ गिफ्ट ऑफ द गैब, बताओ यार गिफ्ट ऑफ द गैब, तुम्हारा स्पीकिंग टैलेंट, तुम कितने अच्छे से बोल पाते हो। अच्छा एक तुम्हारा अगला है स्टैंड स्टिल, मतलब स्टिल, स्टिल माने क्या होता है, एक जगह, और स्टैंड क्या होता है, खड़े हो जाना, तो इसका मतलब जब तुम एक जगह खड़े हो गए तो इसका मतलब यही तो हुआ तुम रुक गए बिल्कुल, हाल्ट का मतलब होता है रुकना, हाल्ट का मतलब होता है रुकना, और ये तुमने सुना होगा ट्रेन का कितने मिनट का हाल्ट है, सुना है ना ट्रेन का कितने मिनट का हॉल्ट है, कितने मिनट रुकेगी, स्टेशन हॉल्ट कितना है उसका, बोलते हैं ना स्टेशन हॉल्ट कितना है, इसका मतलब उसके रुकने का टाइम कितना है, तो हॉल्ट माने रुकना, कंप्लीट हॉल्ट मतलब पूरा रुक जाना, तो स्टैंड स्टिल, स्टिल मतलब एक जगह रहना और अब तुम खड़े हो गए, इसका मतलब पूरे रुक गए, ठीक है। आगे आते हैं क्रॉसवर्ड्स, भाई ये एक बंदा
ये तुम्हारी बंदी, इसके हाथ में तलवार, इसके हाथ में तलवार। अब तुम दोनों क्रॉस वर्ड्स में हो, देख रहे हो, इधर से एक तलवार और इधर से एक तलवार। इसका मतलब भाई तुम दोनों में किसी चीज़ के ऊपर बहस हो गई है। लड़का बोल रहा है कि नहीं ये नहीं है, लड़की बोल रही है नहीं ऐसा ही है भाई। लड़का बोल रहा है कि यार मैं बहुत बिजी था उस टाइम। लड़की बोल रही है नहीं, यू वर टॉकिंग विद समवन। लड़की को ट्रस्ट इश्यू आ रहे हैं लड़के पे, मतलब खुद के ट्रस्ट। छोड़ो यार मैं कहाँ चला जाता हूँ फ्लो में, छोड़ो। तो ध्यान रखना, क्रॉस वर्ड्स मतलब जब दूसरों से डिसएग्री होने लग जाओ, ठीक है, जब दूसरों से डिसएग्री होने लग जाओ उसको बोलते हैं क्रॉस वर्ड्स। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, तुम्हारा जब डिसएग्री आ जाए ना, तो डिसएग्री का तुम ध्यान रखना, नहीं रहने दो यार, ठीक है, डिसएग्री मतलब बस इतना ही रखो। अभी बहुत सुनोनिम हो जाते हैं, तुम लोग भी पता नहीं कैसे याद कर पाओगे, ठीक है, लेकिन यार याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इतने ज़्यादा नहीं बता रहा, जो इम्पोर्टेंट है बस उन्हें ही बताता हूँ, ठीक है। पोर ओवर तुम्हें ध्यान रखना, ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक भी नहीं है इसकी। पोर ओवर मतलब किसी चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा सही नज़रिए से देखना, या फिर उस चीज़ के ऊपर से गुजर जाना। गो थ्रू मतलब उस चीज़ से गुजर जाना। तो पोर ओवर का मतलब क्या होता है, उस चीज़ से निकल जाना, ठीक है। आगे आते हैं, मेक बोथ एंड्स मीट। ये एक रस्सी है, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि तुम ये जो इसके एंड है ना, एंड उसको तुमने मेक बोथ एंड, मेक माने बनाना, बोथ एंड मीट, तुमने इन दोनों को मिला दिया, तो अब ये रस्सी कैसी बन गई, ऐसी गोल, तुमने मिला दिया उसको, ठीक है, ये तुमने मिला दिया इसको। तो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो यार, तुम रस्सी को गोल घुमा के भाई पूरा, मतलब तुमने दोनों उसके एंड मिला दिए, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुमसे जो हो सकता है तुम कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, जिससे तुम्हारे डेली खर्चे निकल पाएँ। तो मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होता है, अपना जैसे तैसे गुजर बसर करना। देखो यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, लेविश लाइफ नहीं होता यार, ठीक है, लेविश लाइफ नहीं होता। लेविश का मतलब तो होता है कि एक बहुत ही अच्छी लाइफ, ठीक है, तो वो नहीं। मेक बोथ एंड्स मीट मतलब इतना ही अर्न कर पाना, यहाँ लिख देता हूँ, अर्न एनफ, सिर्फ उतना ही कमा पाना जिससे तुम अपनी ज़िंदगी चला सको, अर्न एनफ टू सर्वाइव। कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन ना आए कि तुमको दोनों रस्सी मिलानी पड़े, ध्यान रखना, इतनी मेहनत कर लेना कि कभी तुमको ये जो है ना, मेक बोथ एंड्स, दोनों जो एंड हैं रस्सी के, ये मिलाने ना पड़ जाएं। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहाँ पे बस तुम अपना गुजारा कर पाओ। अच्छा यहाँ लेविश आ गया, तो अब लेविश का मैं तुम्हें कुछ सिनोनियम्स बता देता हूँ, ठीक है। लेविश का देखो, लेविश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक ऐसी लाइफ जो बहुत मतलब खर्चे वर्चे वाली लाइफ है, अच्छा खासा भाई रिच लाइफ है ये मान लो। तो इसका ना ध्यान रखना, लग्जूरियस मतलब जो रिच लाइफ होती है, जो लग्जूरियस बंदा है, अमीर बंदा है, रिच हो गया। अच्छा तुमने सुना होगा स्प्लेंडर सुना है ना, स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर, उसी से मिलकर बना है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड भी यही होता है, स्प्लेंडेड मतलब बहुत अच्छी लाइफ, बहुत ही अच्छी, स्प्लेंडेड मतलब बहुत अच्छी, तो स्प्लेंडेड लाइफ मतलब बहुत अच्छी लाइफ। अच्छा लग्जूरियस हो गया, स्प्लेंडेड हो गया। अच्छा और एक और होता है लश क्या होता है, लश भी यही होता है जो बहुत ज़्यादा हरा भरा, या बोल सकते हैं ना थोड़ा जो रिच है, ठीक है। और आगे लिख लो, एक और लिख लो, सम्प्टुअस होता है, SUMPTUOUS होता है वो, ठीक है, सम्प्टुअस भी ध्यान रखना यार, आ जाता है। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर पेपर में लेविश आया ना तुम्हारा सिनोनियम, बिलीव मी इनसे इन्हीं में से ऑप्शन होगा कोई, या सम्प्टुअस होगा या लश होगा, बिलीव मी जो मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ उस चीज़ को बिलीव कर लो, ठीक है, लिख लो कॉपी में,
अभी नहीं, अभी तुम समझ लो, जैसे जैसे मैं तुम्हें क्लास में याद करा रहा हूँ, अभी तो सिर्फ क्लास में याद कर लो, नोट्स आराम से बनाना 1 घंटे, फिर उनको रिवाइज भी करना है, ठीक है? बिलीव मी, 15-20 वीडियोस लेक्चर के बाद बोलोगे कि यार बहुत कुछ याद हो गया। मतलब ये तो एडिशनल करा रहा हूँ मैं तुम्हें, एज अ रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ पूरी वोकैब सीरीज, ठीक है? जिसमें तुम अपना 2-2 दिन बाद एक एक वीडियो अपनी 1-1 घंटे की से देख लो, जिससे कि तुम्हारा रिवीजन टाइप हो जाए, ठीक है, जितना तुम पढ़ रहे हो। अच्छा, इस एक रिच का एक और ध्यान रखना यार, अभी ध्यान आया मेरे को, रिच का एक आ चुका है पेपर में, ओप्यूलेंट, ApuLent, लिख लेना कॉपी में, ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट क्या होता है? रिच। ओप्यूलेंट क्या होता है? रिच। ओप्यूलेंट क्या होता है? रिच, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं। अच्छा, ओप्यूलेंट जब रिच हो गया तो इसका वो क्या हो गया, ओप्यूलेंट जब रिच हो गया तो रिच का एंटोनियम क्या होता है? रिच का एंटोनियम मतलब पुअर, पुअर मतलब पॉवर्टी, पॉवर्टी। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है यार, एक पॉवर्टी का बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, डेस्टिट्यूशन ध्यान रखना, DESTITUTION, डेस्टिट्यूशन ध्यान रखना, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन होता है तुम्हारा पॉवर्टी, ठीक है? तो अभी ये रिच आ गया था, इस वजह से मैं पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन पे आ गया था, ठीक है? आगे आते हैं, रनडाउन। रनडाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, ठीक है? जैसे कि सपोज करो, इसको तो यार ऐसे याद ही करना पड़ेगा, देखो जितने मैं याद करा सकता था, क्रॉसवर्ड हो गया, गिफ्ट ऑफ द गैप हो गया, स्टैंड स्टिल हो गया, बोथ हैंड्स मीट हो गया, देखो इसका तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। रनडाउन का, रनडाउन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है? अच्छा, क्रिटिसाइज़ के मैं तुम्हें कितने सुनोनियम पढ़ा के आया हूँ यार, मुझे बताओ एक बार। तो मैं हर वीडियो में मैंने क्रिटिसाइज़ के कितने बताए हैं? कल ही बताया था कंडेमन। कंडेमन क्या बताया था? किसी की बुराई करना, किसी में फॉल्ट निकालना। अच्छा, कंडेमन से पहले मैं तुम्हें एक और बताता हूँ, कल ही बताया था मैंने कमेंड, COMMEND, आया ध्यान? कमेंड, मैं बोला था प्रेज करना, प्रेज करना, PRAISE, प्रेज करना, कमेंड करना मतलब किसी को एप्रिशिएट करना, एप्रिशिएट ही तो था कमेंड करना। अरे यार ऐसे समझ लो, कमेंड नहीं, इसको कमेंट समझ लो ना, किसी को तुमने कमेंट किया तो कमेंट कब करते हो उसको, कॉम्प्लीमेंट कब देते हो, एप्रिशिएट मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया या फिर तुम्हारा कमेंट हो गया, कब करते हो? जब तुम उसको प्रेज करते हो, जब तुम उसको अपलोड करते हो, APPLAUD, अपलोड करते हो, कमेंड करते हो, ठीक है? और मैं कल तुम्हें मैं और भी बता के आया था, अब मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, कल वाले लेक्चर देख लेना, 6-7 और करा रखे हैं, ठीक है? बहुत सारे सिनोनिम कराए हैं अच्छे अच्छे जो जो आते हैं। तो अभी हम बात करते हैं क्रिटिसाइज़ पे, कंडेमन करा के आया हूँ, अच्छा सेंश्योर भी तो करा के आया हूँ यार, पिछली वीडियोज़ में सब करा रखा है, इट्स जस्ट अ रिवीजन, सेंश्योर हो गया। अच्छा, डिनाउंस करा के आया हूँ, डिनाउंस करना, डिनाउंस। अच्छा, डिनाउंस से तुम्हें एक वर्ड याद आ रहा होगा, रिनाउंस, RENOUNCE। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इतने वर्ड करा चुका हूँ 3 वीडियोज़ में ही, इतने वर्ड रिपीट हो रहे हैं ना, बिलीव मी 15 वीडियोज़ में पूरा बोलते हैं ना क्रक्स, पूरा क्रक्स जो कोर है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो कवर कर लोगे तुम। तो रिनाउंस का मैं तुम्हें क्या बता के आया था बताओ मुझे, रिनाउंस का क्या मैं तुम्हें सरेंडर नहीं बता के आया था? सरेंडर, गिव अप करना, मतलब उसने रिनाउंस कर दिया। अब रिनाउंस का मतलब होता है अपनी गद्दी त्यागना, तो गद्दी त्यागना मतलब गिव अप ही तो होता है, जब तुमने अपनी पोजीशन त्याग दी, जब तुमने अपनी पोजीशन छोड़ दी, तो इसका मतलब सरेंडर कर दिया, तो वो रिनाउंस होता है, लेकिन ये क्या है, डिनाउंस है, ठीक है? अच्छा, और क्या हो सकता है क्रिटिसाइज़ का, किसी को तुम क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, मैं तुम्हें पहली वीडियो में पढ़ा के आया था चेस्टाइस, आया ध्यान? CHASTICE, चेस्टाइस आया था ना पढ़ा के, चेस्टाइस, यार सब पढ़ा के आ चुका हूँ, कैस्टिगेट भी पढ़ा के आया हूँगा, कैस्टिगेट, कैस्टिगेट भी तो यही होता है, पढ़ा के आया हूँ भाई, पहली वीडियो याद करो, कैस्टिगेट, ये कैस्टिगेट भी यही होता है, ठीक है?
अच्छा, एक होता है तुम्हारा लैम्बेस्ट, भी ध्यान रखना, लैम्बेस्ट, LAMBAST, लैम्बेस्ट। लेकिन लैम्बेस्ट अब मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें एक ध्यान रखना, लेमेंट आया हुआ है पेपर में, लेमेंट, लेमेंट, LAMENT, NDA के पेपर में था ये। लेमेंट का मतलब क्या होता है? शोक करना, ठीक है, सोरो, तुम्हारा जो दुख है ना उसको सोक कर, सोक मतलब तुम्हें किसी चीज़ का शोक है, तो लेमेंट मतलब रोना, बिलखना, जो तुम्हारा, तुम जो कोई कोई भी अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसको बोलते हैं लेमेंट करना, ठीक है। लेमेंट मतलब सोरो से रिलेटेड है। आगे आते हैं, पर यहाँ क्या था, यहाँ है लैम्बास्ट। लैम्बास्ट क्या होता है? लैम्बास्ट मतलब किसी को बुराई करना, किसी की बुराई करना, लैम्बेस्ट करना, ठीक है। और भाई इतने याद कर लो, है ना, इतने बहुत हैं। कैस्टिगेट हो गया, कैस चेस्टाइज हो गया, लैम्बेस्ट हो गया, कंडेमन हो गया, सेंश्योर हो गया, डिनाउंस हो गया, कितना कुछ बता गया हूँ। अच्छा, ग्रीस एनी बॉडीज पाल्म, तुम किसी की पाल्म को, जो तुम्हारी हत्ती है ना, हत्ती, उसकी हत्ती, उस पर ग्रीस लगा रहे हो। तुमने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, अब तुमने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है तो अगर तुम किसी के ग्रीस लगा रहे हो, इसका मतलब क्या? ग्रीस मतलब रुपया होता है भाई, ग्रीस मतलब रुपया, रुपया। तो तुम किसी की पाल्म पे ग्रीस लगा रहे हो, मतलब रुपया दे रहे हो, रुपया दे रहे हो मतलब ब्राइब देना। ब्राइब क्या होता है? ब्राइब ध्यान रखना, ब्राइब होता है रिश्वत देना, ठीक है। ब्राइब क्या होता है? रिश्वत देना। आगे आते हैं, ये तो करा चुका हूँ मैं तुम्हें, लीव इन द लर्च, ये तो मैं कभी नहीं बोल सकता, शायद तुम भी नहीं बोलोगे। अगर तुम्हें कोई, तुम्हें अपने बुरे, तुम्हारे बुरे समय में छोड़ दे, तुम्हें उसको बोलते हैं लीव इन द लर्च, तुम्हें मरने के लिए छोड़ देना, अबांडोन इन दी मडवे, मतलब मरने के लिए नहीं लेकिन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। लेकिन कभी कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऐसी हो जाती है बहुत गंदी, बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा गंदी, मतलब ऐसे दिन जो काटे से ना कटे, ना रातें कट रही ना दिन कट रहे, उसको बोलते हैं लर्च वाले दिन। तो जब कोई इंसान तुम्हें ऐसे हालात में छोड़ दे तो उसको बोलते हैं तुम लर्च में छोड़ दिए गए। इसलिए भाई थोड़ा दूर रहो, पढ़ो वढ़ो वरना गुजर जाओगे, ठीक है, गुजर जाते हैं कुछ लोग। आगे आते हैं, है ना, पढ़ाई पे फोकस रखो भाई, कुछ नहीं है यार। देखो यार एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, अच्छा खुद सोचो यार, तुम कल जब NDA CDS चले जाओगे, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी यार, तुम्हारे पास स्टार्स होंगे, ठीक है, इमेजिन तुम्हारे पास स्टार्स होंगे, मतलब तुम पूरे पूरे फ्री हो गए, तुम्हें जैसे जहाँ घूमना है जहाँ जाना है, और यार इधर से कोई आ रहा है, उधर से कोई आ रहा है, इधर से आ रहा है, भाई जिसको मन चाहे, भाई जिसको मन चाहे। सक्सेसफुल होने के बाद ना ये चीज़ें सब, मतलब कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं रहता फिर। अभी तुम्हें लग रहा है कि यार सीट सो क्या बोलते हैं उसे, अरे वो क्या होता है, सी इज़ डिफरेंट, क्या बोलते हैं, मेरी वाली अलग है, मेरी वाली अलग है। व्हाट अ जोक भाई। अच्छा, लीव इन द लर्च ध्यान रखना, तो खैर चलो मजाक रहा, लीव इन द लर्च मतलब किसी को छोड़ देना उसके मिडवे में, डिफिकल्ट में। अच्छा, अवांडोन का मतलब मैं तुम्हें बता के आया हूँ यार, बता दो मेरे भाई, कितनी बार बता के आया हूँ अवांडोन का मतलब, पता होगा तो। मैं अवांडोन मतलब लीव कर देना, छोड़ देना, ठीक है, बता के आया हूँ पिछली वीडियोस में, ये लीव इन द लर्च भी बता के आया हूँ पिछली वीडियोस में। कॉट रेड, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना, कॉट रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़ना, मतलब किस टाइम पकड़ना, जब वो क्राइम कर रहा था, तो जब वो क्राइम कर रहा था उस टाइम पे पकड़ना, उसको बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ब्रिंक होता है तुम्हारा जो एंड पॉइंट होता है, पॉइंट जो होता है ना बिल्कुल एंड, उसको बोलते हैं ब्रिंक। तो ध्यान रखना, जब भी आए ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट पे,
जैसे बोलते हैं कि तुम्हारा जो एनडीए का पेपर हुआ है ना, जो एनडीए का रिटन हुआ है तुम्हारा, वो ऑन दी ब्रिंक हुआ है भाई। जो मेरा एनडीए का पेपर हुआ है वो ऑन दी ब्रिंक हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल भाई जो एंड पॉइंट है बस उसी पे हुआ है, बच गया बस मैं। तो ऑन दी ब्रिंक मतलब, ऑन दी ब्रिंक मतलब ऑन दी पॉइंट, लास्ट पॉइंट। फेस द म्यूजिक पिछली 4 वीडियोस में 8 बार बता चुका हूँ, 4 बार नहीं 8 बार, अब नहीं बताऊँगा बिल्कुल। गिफ्ट ऑफ द गैप 4 बार बता चुका हूँ, इसे भी आज की क्लास में 2 बार, पहले भी आ चुका है 2 बार, 4 बार इसे बता चुका। आगे आते हैं, गो डाउन द ड्रेन। गो डाउन द ड्रेन यार देखो, तुम गो डाउन, डाउन गए और तुम बह गए, तुम डाउन गए और बह गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भैया खो गए, बर्बाद हो गए, लूज फॉर एवर, लूज फॉर एवर। अपने गो डाउन द ड्रेन, देखो क्या, अगर तुम अपने करियर पे फोकस नहीं करोगे, अगर तुम अपने करियर पे फोकस नहीं करोगे, देखो यार तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है बताओ मुझे। तुम्हें भाई किसी किसी को कहीं पूरे इंडिया में घूमना होगा, तुमको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ठीक है। कि मैं तो यार पहले एक बार यहाँ स्पेंड करूँगा टाइम, फिर वहाँ स्पेंड करूँगा उस जगह, फिर वहाँ पे एक दो दिन की ट्रिप होगी, तो ये सब करना है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो यहाँ नहीं जा पाओगे, लेकिन यहाँ ज़रूर चले जाओगे। कहाँ कहाँ? गो टू द ड्रेन, गो टू द ड्रेन, यहाँ ज़रूर चले जाओगे। जो EDM है ना, ड्रेन वाला, यहाँ चले जाओगे, ड्रेन में तो ज़रूर चले जाओगे। तो गो डाउन द ड्रेन मतलब, गो डाउन द ड्रेन मतलब खो जाना, लॉस्ट फॉर एवर, बर्बाद हो गए अब तुम, उसको बोलते हैं गो डाउन द ड्रेन। क्लोथ शेव, भाई तीसरी बार बता रहा हूँ, क्लोथ शेव मतलब बहुत ही पास से बचना, मतलब एक नैरो एस्केप, नैरो एस्केप भाई, बहुत ही मतलब बस बच ही गया, नैरो एस्केप था डेंजर से। मैं तुम्हें क्लोथ शेव के बाद 2 और पढ़ा के आया था पहले लेक्चर में। एक था तुम्हारा चीक जॉल वाला, चीक जॉल, चीक जॉल, और एक बताया था एट आ स्टोन्स थ्रो, एट आ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो, एट आ स्टोन्स थ्रो, बता के आया था ना, वेरी नियर। भाई सारे ये सारे मैंने ट्रिक से याद कराए हैं पहली दूसरी तीसरी क्लासेस में, अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कूल है इसको कुंबर, मतलब इतना कूल है भाई, इसको कुछ दिक्कत ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, ना कोई इमोशनल है, ना कुछ है, बिल्कुल कूल है, बहुत कूल है। कूल मतलब धैर्यवान, मतलब पेशेंस बंदा है भाई, बहुत ही कूल बंदा है, बिल्कुल कूल है इसको कुंबर। इन दी हाई स्पिरिट, हाउ द जोश, हाई स्पिरिट्स मतलब तुम्हारी जो अंदर की वो है ना फीलिंग्स, वो कैसी हैं? हाई स्पिरिट्स हैं भाई। तुम अपनी एनडी की तैयारी कर रहे हो, CDS की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे अंदर हाई स्पिरिट होनी चाहिए पैशन को लेके, कि भाई करना है, हाई स्पिरिट, चीयरफुल होना, ठीक है। तो हाई स्पिरिट मतलब हाई जोश, हाई जोश होना। आगे आते हैं, स्केप गोट्स। स्केप गोट्स क्या होता है? बलि का बकरा, गोट माने बकरा, और स्केप गोट जो बलि बनी है। तो एक ऐसा पर्सन जो ब्लेम हुआ है किसी और की गलती के लिए, अब यार बलि का बकरा बन गया वो, मतलब स्केप गोट बन गया। तो कभी कभी क्या होता है, तुमने देखा भी होगा ना कि तुम्हारा जो दिल है, जो तुम्हारा दिल है वो इसके लिए है, जो लड़की है इसके लिए है, लेकिन अब हुआ क्या, अब तुम्हारा दिल तो इसके लिए है, लेकिन इसका जो दिल है यहाँ पे तुम्हारे जैसे 4 रहते हैं। अब यार अगर तुम में से कोई लड़की देख रही होगी वो बोलेगी यार भैया तुम हर बार यार लड़कियों को ही क्यों लपेटते हो, मतलब क्या दुश्मनी है लड़कियों से? भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं है लड़कियों से, बट हाँ थोड़ा मतलब कि सम गर्ल्स आर नॉट गुड फॉर वर्ल्ड, कुछ हैं जो सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, तुम्हारा जो दिल था वो इसके लिए था, और इसका जो दिल था इसके दिल में तुम्हारे जैसे 4 दिल थे, तुम्हारे जैसे ये 4 घुमा रही थी। अब भैया तुम्हारा क्या बन रहा है, तुम्हारा कट रहा है, तुम बलि के बकरे बन रहे हो।
मतलब भाई दूसरा इंसान कुछ गलत कर रहा है लेकिन तुम ब्लेम करे जाओगे कैसे? जब तुम्हारी कोई गलती होगी ना, जब तुम बोलोगे अच्छा अपना फ़ोन दियो या अपना इंस्टा दियो, यू डोंट ट्रस्ट मी, अच्छा यू डोंट बिलीव मी, अच्छा अब इतना बिलीव नहीं है मुझ पे, तो भाई अब तुम उससे बोलोगे कि ये कर वो कर, और वो तुम्हें ना इंस्टा देने का ना कुछ देने का, अब तुम बन गए बलि के बकरे। अब वो तुमसे ब्रेकअप करेगी, अब ब्रेकअप करेगी वो बोलेगी कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, गलत किया, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है और तुम ऐसे ऐसे ट्रस्ट इश्यूज लाते हो। तो देखो रॉन्ग किसने किया? उसने। और ब्लेम कौन हुआ? तुम। तो तुम बन गए अब स्केप गोट। तो अब जब भी तुम्हारे सामने कुछ भी ऐसा हो ना तुम्हारे या तुम्हारे साथ, बोलना यार तूने तो मुझे स्केप गोट बना दिया। मैंने अपना दिल तुझे दे रखा था, तूने अपने दिल में मेरे जैसे चार बिठा रखे थे, मैंने तुझे इंस्टा मांगा तो तेरे से वो दिया नहीं गया, ऊपर से भाई तूने मेरे को गलत और साबित कर दिया, मैं ब्लेम कर दिया, मतलब स्केप गोट बना दिया, बलि का बकरा बना दिया मुझे। तो ध्यान रखना अब जब भी आएगा स्केप गोट तो मैं ध्यान आ जाएगा कि भाई तुम्हारे साथ ऐसे हुआ था एक बार, मतलब हुआ नहीं तो हो जाएगा, आजकल तो यही चल रहा है ट्रेंड में सारी चीज़ें। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल अपडेटेड बनाता हूँ, ठीक है, जो ट्रेंड में चल रहा है ना आजकल, मैं सब वही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, रेड लेटर दे। अच्छा मुझे बताओ यार, मैं तुम्हें कितनी बार पढ़ा चुका हूँ रेड लेटर दे, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड का लव लेटर आया था, पता है ना तुम्हें, पहली क्लास में ही आ गया था, पहली क्लास। जिसने नहीं देखी है भाई देखना, बहुत मज़े की क्लास है, और पूरा 50 वर्ड्स कराए हैं मैंने, सिनोनियम्स कराए हैं 20-25, पूरा वो कराया है 50 ईडियम्स। तो वहाँ मैंने क्या बताया था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का लव लेटर आया है, और उस लव लेटर वाले दिन जिस दिन आया था ना, वो तुम्हारे लिए रेड लेटर हो गया। क्यों? क्योंकि उस लेटर पे दिल बना हुआ था रेड कलर में, तो वो जो रेड लेटर आया ना, रेड कलर में दिल था और फिर वो सामने लेटर था, तो ये जो रेड लेटर था उस वाले दिन को तुमने मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल डे बना दिया, तुम्हारा वो सबसे मेमोरेबल डे था, सबसे इम्पोर्टेंट डे था, तो उसको क्या बोलते हैं, रेड लेटर डे, ठीक है। अब देखो अगर मैं तुम्हें ऐसे लिंक करके ना पढ़ाऊँ ना रेड लेटर डे, और पेपर में आ जाए रेड लेटर डे ऑप्शन ए ऑर्डिनरी डे, ऑप्शन बी डे ऑन विच समथिंग बैड हैपन्ड, कुछ गलत हुआ हो उस दिन, उसको बोलते हैं रेड लेटर डे, या फिर सी ए डे ऑन विच जिस दिन तुम्हारी जॉब छूट गई हो, मतलब कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, और ऑप्शन डी मेमोरेबल डे। अब तुम सोचो अगर मैं तुम्हें ऐसे ट्रिक से नहीं बताता तो मुझे खुद बताओ तुम एक बार, क्या तुम इसे कर पाते रेड लेटर डे को? तुम सोचते यार रेड लेटर डे मतलब एक ख़राब दिन, रेड डे यार, रेड मतलब कुछ ख़राब दिन, इसे टिक कराते। लेकिन अब मैंने तुम्हें बता दिया रेड लेटर डे मतलब तुम्हारे गर्लफ्रेंड का लव लेटर आया है, रेड कलर में तुम्हारा लव लेटर है, तो वो क्या है, एक मेमोरेबल डे है, ठीक है, होप सो याद हो गया होगा। वियर हर्ट ऑन स्लीव, तुमने जो अपना दिल है वो अब स्लीव्स पे ले आए, अपनी स्लीव्स पे ले आए तुम, अब अपनी स्लीव्स पे ले आए, इसका मतलब जो है तुम्हारे दिल में उसको पूरा खुल के बोल रहे हो, एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली। तुमने अपना हर्ट कहाँ पे पहन लिया, स्लीव्स पे पहन लिया, ठीक है, तुमने अपना हर्ट कहाँ पे पहन लिया, स्लीव पे, अब तुम्हारा हर्ट बिल्कुल एक्सप्रेस कर रहा है जो जो फीलिंग्स हैं। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, भाई तुम किस चीज़ को पे कर रहे हो, ओल्ड स्कोर्स को, मतलब जो पुराने तुम्हारे पास बचे हुए हैं ना, जो तुम्हारे पास कुछ बचे हुए हैं, जो किराया बचा हुआ है या कोई भी डेब्ट है उसको करना, तो रिफ़ंड करना ओल्ड ड्यूज को, जो तुम्हारा पुराना हिसाब है उसको चुकाना। तो पे किस चीज़ को कर रहे हो, अपने ओल्ड स्कोर्स को, ये जो तुम्हारा ओल्ड स्कोर्स है ना, जो ओल्ड जो चीज़ें हैं जिन जिन से तुमने हिसाब कर रखा है, जो जो स्कोर है तुम्हारा दूसरों के साथ, उस चीज़ को पे करना है, ठीक है। आगे आते हैं, ये पेपर में आ चुका है, एनडीए के पेपर में, जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट देने गया था, फर्स्ट नहीं सेकंड था वो, हाँ सेकंड अटैम्प्ट था एनडीए का, उसमें आया था ये मेरा मैन ऑफ लेटर्स, और इसका मैं पता नहीं क्या ही लगा के आया था, क्योंकि ऐसे तो मुझे कोई ऐसे पढ़ाने वाला तो थे नहीं जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ,
सच्ची में भाई लिटरली इनको भी ना याद करना एक बहुत ही कठिन टास्क होता है। तुमको ये जो ईडियम फ्रेजेज है ये लिंक करके याद करने पड़ेंगे, जिससे कि पेपर में आए तो तुमको ये चीज़ें याद आ जाएं अचानक से। ठीक है, अचानक से, जैसे स्केप गोट, स्केप गोट तुम्हें ध्यान आएगा, भाई मेरा दिल उसके पास था, उसके दिल में मेरे जैसे चार थे, मैंने बोला इंस्टा आईडी और पासवर्ड दे दे, उसने मना कर दिया, ऊपर से ब्लेम कर रही थी, अब मतलब मैं ही स्केप गोट बना दिया उसने, मतलब दूसरे की गलती और मुझ पे वो ब्लेम कर रही है। तो ध्यान रखना मैन ऑफ लेटर्स का, मैन किस चीज़ का, मैन लेटर्स का। अब तुमने देखा होगा ये जो लेटर लिखे जाते हैं ना भाई, बड़े हिसाब से लिखे जाते हैं, ये तुम्हारा लेटर जी एफ वाला लेटर नहीं है जो इसमें यहाँ लिख दिया आई लव और ये, उसके बाद आई एम ओनली दिस, ये लेटर नहीं। लेटर देखा होगा तुमने जब हम ट्वेल्थ में लेटर लिखते थे, ध्यान है, जब हम ट्वेल्थ में लेटर लिखते थे तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज की ज़रूरत होती थी। इवन हम तो टीप के लिखते थे दूसरों के में से लेटर जब लिखते थे, तो वहाँ पे लेटर का मतलब क्या है कि हमें ना थोड़ी सी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसी चीज़ की। तो अगर कोई इंसान है जो लेटर्स का इंसान है, मतलब उसकी एक अच्छी पकड़ है लेटर्स पे, वो जो इंसान है मैन है लेटर्स का, उसकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए लेटर्स पे। इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो प्रोफिशिएंट है, जो अच्छा है लिटरेरी आर्ट्स में, ध्यान रखना जो आर्ट का काम है या लिटरेचर का काम है उनमें बहुत अच्छा होना, उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, होप सो याद हो गया होगा। अब तुम पेपर में आएगा ना मैन ऑफ लेटर्स, डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में आएगा यार लेटर के लिए कोई बंदा ना अच्छा होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए आर्ट वगैरह में, उस बंदे के पास नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए आर्ट वगैरह में, लिटरेचर वगैरह में। ठीक है, आगे आते हैं, आगे टर्न डाउन, ये मैं करा चुका अभी टर्न डाउन ऊपर करा के आया ना, टर्न डाउन किसी चीज़ को मना कर देना, करा के आया हूँ नहीं, सॉरी वो रन डाउन था, सॉरी रन डाउन था जब तुम किसी की बुराई करते हो, ये टर्न डाउन है, सॉरी फॉर देट। टर्न डाउन होता है मना कर देना। कैसे, तुमने किसी से कुछ मांगा, तुम गए यहाँ से कुछ मांगने उससे, वो जो सामने इंसान खड़ा है, देखो तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, तुम इसके पास आए, तुमने बोला कि भाई मुझे कुछ यार ऐसे ऐसे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, मेरे को ये हेल्प कर दें, ये बंदे ने टर्न लिया, ये बंदा ऐसे खड़ा था इसने टर्न ले लिया, टर्न डाउन और चला गया, इसका मतलब उसने मना कर दिया यार, वो टर्न डाउन हो गया, उसने मना कर दिया कुछ भी करने से, टर्न डाउन हो गया, ऐसे याद कर लेना। गुड टर्म्स, ये तो मैं करा चुका हूँ, तुम्हारे किसी के साथ अच्छे टर्म्स हैं, इसका मतलब तुम किसी के साथ, तुम्हारी अच्छी बन रही है, अच्छी बॉन्डिंग है, एग्री विद संबंध, सहमत मतलब अच्छे रिलेशंस हैं उसके साथ। ठीक है, गुड टर्म्स मतलब एग्री होना उसके साथ, गुड टर्म्स। स्टोल द शो बोलते हैं ना, रोहित शर्मा स्टोल द शो, रोहित शर्मा ने जो वर्ल्ड कप हुआ था ना पिछली बार, उसमें भाई 4 शतक लगाए थे, 4 सेंचुरीज थी, डू यू नो, सोचो यार कॉन्जिक्यूटिव ही थी 4 सेंचुरीज, मायने रखती हैं वर्ल्ड कप में, क्या ही प्राइम फॉर्म में था वो बंदा उस टाइम पे। तो उसने ना शो को स्टोल कर लिया था, उसने शो चुरा लिया था। तो शो चुराने का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, मतलब सबका, मतलब इतना अच्छा करना कि भाई सब तुम्हारी तारीफ़ करें, हर कोई तुम्हें प्रेस करे, देखो विंस एवरी वन प्रेस, दर्शकों का दिल जीत लेना। तो स्टोल द शो मतलब क्रिकेट में आजकल होता है भाई, कोई शतक मार देता है तो स्टोल द शो हो जाता है, वो शो कर लेता है। मेज़र अप ध्यान रखना, अप कर लेना, अपने लेवल को ना बढ़ा देना या फिर बराबर कर लेना किसी के। तो मेज़र अप क्या होता है, रीच दी लेवल तक पहुंच जाना। ठीक है, अच्छा डॉक्टर का काम क्या होता है बताओ मुझे एक बार, डॉक्टर का काम क्या होता है, किसी चीज़ को चेक करना, चेक ही तो करता है वो हमारी बॉडी में क्या है क्या नहीं,
तो डॉक्टर दी अकाउंट्स का मतलब होता है डॉक्टर क्या करता है, चेकिंग, डॉक्टर चेकिंग करता है। अब डॉक्टर यहाँ किस चीज़, अब अकाउंट्स के, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे ना एक चीज़ समझो तुम, यहाँ पे जो 10 अकाउंट्स हैं उनकी डॉक्टरिंग की जा रही है, अकाउंट्स को डॉक्टर किया जा रहा है। तो अकाउंट्स को डॉक्टर किया जा रहा है इसका मतलब जो अकाउंट्स है ना उनको चेक किया जा रहा है, अकाउंट को चेक किया जा रहा है, इसका मतलब मैनिपुलेट द अकाउंट्स, हिसाब में गड़बड़ी, जो तुमने चेक किया जा रहा है क्योंकि तुमने गड़बड़ी कर रखी है। तो तुमने ना अकाउंट्स में गड़बड़ी कर रखी है, तुमने डॉक्टर, तो डॉक्टर उसको चेक करेगा, ऐसे याद कर लेना। तो अब ध्यान आएगा तुम्हें, जब भी डॉक्टर दी अकाउंट्स, तुमने अकाउंट में कुछ गड़बड़ी की है और अब उस अकाउंट को चेक किया जा रहा है, डॉक्टर दी अकाउंट्स, ठीक है। डार्क हॉर्स पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब एक ऐसा इंसान जो मतलब छुपा हुआ है, उसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं और वो अपने एंड में जीत जाता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड विनर, एक ऐसा इंसान जो अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल और वो जीत जाता है एंड में, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। फेस द म्यूजिक मैं करा चुका हूँ ना, यू नो फेस द म्यूजिक मैंने कितनी बार कराया तुमको, तुम्हारे पापा का एग्जांपल लेके कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा फेस द म्यूजिक कर दिया, मतलब तुमको सुनाया, तुमको म्यूजिक सुनाया, कितनी बार तो बता चुका हूँ यार। इसका ध्यान रखना, इंदी रेड, इंदी रेड होता है मनी, जब तुम अपना रुपया खो देते हो ना, ये कर्ज में आ जाते हो, तो उधार में होते हो, घाटे में होते हो, उसको बोलते हैं इंदी रेड। तो ध्यान रखना, इंदी रेड में होना जब तुम अपने मनी खो देते हो, ठीक है, जब तुम डेप्ट में होते हो, उसको बोलते हैं इंदी रेड। ये अभी अभी CDS के पेपर में आया था, इन लीव ऑफ, EDMs में नहीं था ये, लेकिन ये ऑप्शंस में था और मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, लेकिन मुझे इसका ये पता था कि इन लीव ऑफ मतलब किसी के बदले में कुछ होता है, तो यही आंसर उसका, यही आंसर था ऑप्शन। अब तुम बोलोगे भैया इन लीव ऑफ क्या होता है, इन लीव ऑफ होता है किसी के स्थान पर, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि तुमने कोई चीज़ ली किसी से, तुमने एक घड़ी ली किसी से, ठीक है, तुमने एक घड़ी ली, उससे हैंड वॉच लिया, अब उस हैंड वॉच के स्थान पर तुमने उसको कुछ और दे दिया, या उसके स्थान पर तुमने उसको कुछ और दे दिया, तो तुमने उसको घड़ी दे दी या तुमने उसको क्या दे दिया, बैट दे दिया अपना, इन लीव ऑफ, तुमने अपना कुछ भी सामान दे दिया इन लीव ऑफ वॉच, इन लीव ऑफ हैंड वॉच, तो इन लीव ऑफ मतलब उसके स्थान पर। डेस्पाइट ऑफ, देखो यार ये ना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डेस्पाइट ऑफ तो कभी होता ही नहीं है, डेस्पाइट होता है डेस्पाइट, DESPITE, और डेस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ ये होता है इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ का मतलब ही डेस्पाइट होता है। अब डेस्पाइट के बाद ऑफ लगा दोगे तो ये एरर है, ध्यान रखना, तो ये तुम्हारा कॉमन एरर बन गया, इंस्पाइट ऑफ का मतलब ही डेस्पाइट होता है, तो ये जो डेस्पाइट ऑफ लिखा हुआ है ये गलत है, इस ऑफ को तुम काट लेना, ये ऑफ नहीं आएगा इधर, ठीक है, सिर्फ डेस्पाइट आएगा। आगे आते हैं, बीट अबाउट द बुश, ये तो मैं बता चुका हूँ, मतलब कहाँ कुछ भी, मतलब तुम बीट किस चीज़ को कर रहे हो, किस चीज़ में तुम, मतलब देखो बीट अबाउट बुश का मतलब होता है किसी चीज़ को सीधे सीधे ना कहना, आलतू फालतू की चीज़ करना, मतलब स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, जो चीज़ है सामने उसको तो बता नहीं रहे, राउंड अबाउट मैनर में उसको बताए जा रहे हो, तो मतलब बीट कर रहे हो अबाउट द बुश, ठीक है। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट होता है किसी चीज़ का होना, हैपनिंग मतलब कॉज, उस चीज़ का होना, ब्रिंग अबाउट। अगर आपके पेपर में वैसे ये तो नहीं आएगा ब्रिंग अबाउट, बट हाँ ये एज अ फ्रेजल वर्ब आ जाती है, CAPF में आती है फ्रेजल वर्ब, पता है तुम्हें, CAPF में, SSC में फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स क्या है, यही तो हैं, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट क्या होता है, किसी चीज़ का होना, हैपनिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉज, हैपनिंग, घटित होना। पुलअप, पुलअप होता है जब डांट पड़ती है ना तुम्हें, उसको बोलते हैं पुलअप। देखो जैसे तुम अपनी तैयारी कर रहे हो फिजिकल की, तुम अपना पुलअप्स मार रहे हो, तुमसे एक पुलअप हुआ,
अब तुम्हारे पापा तुमसे गुस्से में कह रहे हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारी फिजिकल की तैयारी करा रहे हैं भाई, वो भी जाते हैं तुम्हारे साथ घूमने सुबह को, तुम दौड़ मारते हो अपना, रनिंग करते हो और वो थोड़ा वॉक करते हैं, तो जब पुल अप का टाइम आता है तो तुम्हारे पापा तुमसे गुस्से में कहते हैं पुल अप बन, वन मोर, टू मोर पुल अप, थ्री मोर पुल अप, और वो गुस्से में कहते हैं, डांटते हैं तुम्हें, क्यों? क्योंकि भाई तुमसे एक पुल अप हो रहा है, तुमसे दो ही पुल अप हो पा रहे हैं, आर्मी को चाहिए 10 पुल अप, कैसे करोगे? तो इस वजह से पुल अप को ध्यान रखना, पुल अप मतलब डांट पड़ना, क्योंकि तुमसे पुल अप नहीं हो रहे, तो पुल अप नहीं हो रहे तो मतलब डांट पड़ेगी, तो तुमसे बोला जा रहा है बेटा पुल अप, पुल अप, दो और पुल अप, और मारो पुल अप भाई, पुल अप्स मारो, तो तुम्हें डांट पड़ रही है, पापा तुम्हें डांट लगा रहे हैं। तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, फेस द म्यूजिक, तुम म्यूजिक को फेस कर रहे हो, फेस द म्यूजिक मतलब डांट पड़ना, यही तो था। और इस डांटने के मैं तुम्हें बिलीव मी 10 से 15 सिनोनियम्स करा के आया हूँ पहली क्लासेस में, बताओ यार करा के आया हूँ नहीं करा के आया? तो देखो हमारा ये 5th पार्ट यहाँ होता है ख़त्म, होप सो तुमको ये सारे याद हुए होंगे, ठीक है। अब देखो यार तुम में से अगर मैं किसी से पूछ लूँ ग्रीस दी पाम क्या है, ग्रीस दी पाम, ग्रीस का मतलब था मनी, मतलब किसी को तुम रुपए दे रहे हो। लीव इन द लर्च बता के आया था, जब कोई तुम्हें इंसान तुम्हारी कठिनाइयों में छोड़ दे, लीव कर दिया तुमको लर्च में। रेड हैंडेड, जब वो एक क्राइम कर रहा था रंगे हाथ पकड़ लिया। ऑन द ब्रिंक ऑफ, बिल्कुल पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे। फेस द म्यूजिक पढ़ चुके हो, गिफ्ट ऑफ द गैप पढ़ चुके हो। गो डाउन द ड्रेन कैसे बताया था, तुम वहाँ वहाँ जाना चाहते हो कि मैं यहाँ घूमूंगा, वहाँ घूमूंगा, वहाँ घूमूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज मेहनत नहीं करी तो तुम वहाँ तो नहीं जा पाओगे, लेकिन गो डाउन द ड्रेन जरूर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, आज नहीं पढ़े तो। ये पढ़ा चुका हूँ क्लोज शेव, क्लोज शेव के 2 भी बताए थे मैंने, तो तुम देखो यार कितना कितना कुछ तुम याद कर चुके हो क्लास की क्लास में। और जब भी तुम अभी तुम इनके नोट्स बनाओगे ना, जो जो मैंने तुमको सुनोनियम बताए हैं, ईडियम बताए हैं, बिलीव मी तुम खुद बोलोगे यार 15-20 लेक्चर्स के बाद कि भैया इतना कुछ याद हो गया बहुत। तो यार अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने तुम्हें अच्छे से समझा है और तुमको सब याद आया है, तो देखो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, अपना इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स बनाना अच्छे से, नोट्स बनाने के बाद जब दूसरी क्लास आए उससे पहले इनको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो जब तुम इनको याद कर लोगे ना तो वहाँ मज़ा आएगा तुम्हें देखने में कि अरे यार ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, अब तो रिवीजन टाइप है बस मेरा ये, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार मैंने तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करी है, तो प्लीज़ अपने शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, मतलब उनको सिर्फ लिंक डाल देना इस वाले इसकी पहली वीडियो की या इस वाले वीडियो की कि भाई इस सीरीज़ को लगा ले वोकैब पार्ट के लिए। और देखो इसके साथ साथ ना अभी मैं तुम्हारा PYQs भी लाऊंगा यार, वाई आर यू वरिंग, इसमें PYQs हैं, कई सारे PYQs हैं, बहुत सारे PYQs हैं इधर NDCDS के, लेकिन मैं तुम्हें स्पेसिफिक PYQ लेके आऊंगा, स्पेसिफिक मतलब पूरे पेपर वाइज, पेपर वाइज है ना, पूरे पेपर वाइज, जो पेपर में 10 आए थे, NDA के में 10 आए थे, फिर उससे पिछली साल में जो 10 और 10 आए थे, इस तरीके से भी लाऊंगा, पर पहले इन्हें करो जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, ये आते हैं भाई, कौन बोलता गिफ्ट ऑफ द गैप CDS में नहीं आया, ये कौन बोलता लूज़ ग्राउंड नहीं आया NDA में, ये एड फ्यूल टू द फायर कौन बोलता ये नहीं आया, हैंड इन ग्लव, ये मैडन स्पीच, ये कोप विद, 11th आवर, ये देखा है मैंने, ये आया है बूथ एंड स्वीट, भाई बहुत सारे हैं, तो तभी बोल रहा हूँ जो जो करा रहा हूँ उसका अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, एक बार वीडियो पूरी देखो जो मैंने बताई है तुम्हें अच्छे से, इस बार जैसे प्रीमियर चल रहा है तो इसको समझो, उसके बाद जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद नोट्स बनाना, ठीक है। और बाकी देखो भाई शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों में प्लीज़, इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट कि इफ़ आई एम हेल्पिंग यू फॉर समथिंग देन यू शुड एनकरेज मी फॉर दैट, एंड दैट्स ऑल आई वॉन्ट, ठीक है। और बाकी और वीडियोस लाता रहूँगा SSB और इसके NDA के साथ साथ, तुम्हारी स्पीकिंग भी तो देखनी है, तुम यार तुम सोचते होगे भैया थोड़ा अच्छा बोल लेते हो, मतलब कैसे बोल लेते हो, हमको भी थोड़ा बोलना है,
सब कराऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे सब कराऊंगा, ठीक है, नो इशू, अभी पहले रिटन पे फोकस करो, धीरे धीरे करके चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।